अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान समेत दुनिया भर में पसंद किए जाने वाले खेल क्रिकेट के एक हीरो की। बरसगीर के लोग क्रिकेट के दिलदादा हैं। वर्ल्ड कप हो या रवायती हरीफ से मुकाबला, गलियां मोहल्ले सुनसान हो जाते हैं। खास तौर पर पाकिस्तानी तो क्रिकेट मैच में शिकस्त बर्दाश्त ही नहीं करते। इसी तरह बेहतरीन खेल पेश करके मुल्क का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों को भी पाकिस्तानी कौम कभी फरामोश नहीं करती। ऐसे ही खिलाड़ियों में एक नाम है सईद अनवर का, जिन्हें बेहतरीन कारकर्दगी पर सदारती तमगा हुस्ने कारकर्दगी से भी नवाजा गया। Oh, that's a lovely shot. He really is very talented, Sayed Anwar. 6 सितंबर 1968 को कराची में पैदा होने वाले सईद अनवर ने NED यूनिवर्सिटी से क्रिकेट खेलना शुरू की। सईद अनवर को वर्ल्ड क्लास ओपनर और पाकिस्तानी क्रिकेट के हकीकी बल्लेबाज सितारों में से एक माना जाता है। सईद अनवर और आमिर सोहेल की जोड़ी को बेहतरीन ओपनर के तौर पर जाना जाता है। सईद अनवर को 1989 में इमरान खान की ख्वाहिश पर कौमी टीम में शामिल किया गया। उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट का आगाज वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहले वनडे मैच से किया और अगले बरस वेस्ट इंडीज ही के खिलाफ पहला टेस्ट मैच खेला। उन्होंने अपने करियर की पहली टेस्ट सेंचुरी न्यूजीलैंड में स्कोर की। इस मैच में सईद अनवर ने 169 रन बनाए। 1996 में इंग्लैंड के खिलाफ ओवल में 176 रन की शानदार इनिंग्स खेली। फिर 1998 में कोलकाता में नकाबले शिकस्त 188 रन बनाए, जो इनके टेस्ट करियर का बेहतरीन स्कोर है। सईद अनवर ने पाकिस्तान की जानिब से कई बड़ी इनिंग्स खेली। इनका वनडे मैचेस का रिकॉर्ड भी शानदार रहा। वनडे में सईद अनवर ने 20 सेंचुरियां स्कोर की। उन्होंने शारजा स्टेडियम में 4 वनडे सेंचुरियां बनाई, जिनमें लगातार 3 सेंचुरियां भी शामिल थी। ताहम इनका 1996-97 में भारत के खिलाफ बनाए जाने वाले 194 स्कोर सबसे नुमाया रहा। इस जमाने में सेंचुरी स्कोर करना ही काफी समझा जाता था। ताहम सईद अनवर ने भारत के खिलाफ 194 रन बनाकर शायकी ने क्रिकेट को न सिर्फ हैरान कर दिया बल्कि इनके दिल भी जीत लिए। सईद अनवर के इस रिकॉर्ड को 14 साल बाद 2010 में सचिन तेंदुलकर डबल सेंचुरी बनाकर तोड़ने में कामयाब हुए। बेहतरीन खेल पेश करने पर हुकूमत पाकिस्तान ने 14 अगस्त 1997 को उन्हें सदारती तमगा बराए हुस्ने कारकर्दगी अता किया। सईद अनवर ने 55 टेस्ट मैच में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, जबकि 247 एक रोजा बैन अल-अक़वामी मैचेस खेलने का एहसास भी रखते हैं। बैन अल-अक़वामी वनडे मैचों में उन्होंने 39.21 की ओस से 8,824 रन बनाए। सईद अनवर ने 7 टेस्ट और 11 वनडे मैचों में पाकिस्तान की कप्तानी की। उन्होंने 3 क्रिकेट वर्ल्ड कप में हिस्सा लिया। वो 2003 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज थे। 1992 के वर्ल्ड कप में इमरान खान की ख्वाहिश के बावजूद फिटनेस मसाइल की वजह से शामिल न हो सके। उनकी बैटिंग बेखौफ और जारहाना होती थी। वेस्ट इंडीज के खिलाफ हालिया वनडे सीरीज में कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम ने ज्यादा लिस्ट ए सेंचुरियां स्कोर करने का कौमी टीम के लेजेंडरी ओपनर सईद अनवर का 19 साल रिकॉर्ड तोड़ा। 27 साल बाबर आजम ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहले वनडे में 103 रन की शानदार इनिंग्स खेली, जो उनके लिस्ट ए करियर की 27वीं सेंचुरी थी। इस तरह बाबर आजम ज्यादा लिस्ट ए सेंचुरियां बनाने वाले बल्लेबाजों की फहरिस्त में साबिक कौमी ओपनर सईद अनवर से आगे निकल गए और खुर्रम मंसूर का कौमी रिकॉर्ड भी बराबर कर दिया। सईद अनवर आज भी पाकिस्तान के तीसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं और इनको बाएं हाथ के एक स्टाइलिश बल्लेबाज के तौर पर याद किया जाता है। सईद अनवर ने 2003 में बैन अल-अक़वामी क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया था। 2001 में बेटी के कैंसर से इंतकाल के बाद सईद अनवर का रुझान मजहब की तरफ हो गया। अब उनका ज्यादा वक्त तबलीग में गुजरता है। पूरी दुनिया में लोग उनको एक मजहबी स्कॉलर के तौर पर जानते हैं और उनकी इज्जत और एहतराम करते हैं। जी नाज़रीन, आपको यकीनन हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, तो फिर इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना हरगिज़ ना भूलें।